विशाखापट्टनम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत में पहले बल्लेबाजी करते हुए बेहद ही खराब शुरुआत की। महज 49 रनों पर आधी भारतीय टीम पवेलियन लौट गई थी। पहले वनडे में शानदार पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने वाले केएल राहुल भी इस मुकाबले में कुछ खासा प्रदर्शन नहीं कर पाए और सस्ते में आउट हो गए। राहुल ने मुंबई में हुए पहले वनडे मुकाबले में नाबाद 75 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई थी, लेकिन दूसरे वनडे मुकाबले में वह सस्ते में पवेलियन लौट गए। राहुल 9 रन बनाकर मिचेल स्टार्क की गेंद पर LBW आउट हो गए। वहीं राहुल के बल्ले से टेस्ट क्रिकेट में बेहद ही खराब फॉर्म देखने को मिला था, जिसके चलते उन्हें टीम से बाहर भी कर दिया था, लेकिन पहले वनडे में उन्होंने अच्छी वापसी भी की थी।